अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट। क्योंकि हम वीडियो नाइट को बना रहे हैं इसलिए आपको गुड नाइट कहना पड़ेगा। तो आज जनाब हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं जो आपको हैरान कर देगी, बल्कि हक्का पक्का कर देगी। बड़ी शानदार रेसिपी, आपने शायद कभी सारी नहीं सोचा भी ना हो इसके बारे में। तो ये ऐसी रेसिपी है जो कभी किसी घर में नहीं बनी, लेकिन हम इसे बनाने जा रहे हैं और इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये राज है, आज हम आपको बना के दिखाएंगे कैसे गुड़ वाली चाय बनती है। आपने कभी ख्वाबों में नहीं सुना होगा गुड़ वाली चाय कैसे बनती है। तो ये तरीका हम आपको बताएंगे, आपने ध्यान से देखना है, इसको याद रखना है। बार बार हम नहीं बता सकते, सॉरी टू से, याद रखना है। सबसे पहले हम आग जलाएंगे। आपको पता है कि हम आग जला लेते हैं, देखिए कैसे जलाइए आग। अब आग जलाना तो बाएं हाथ का खेल है। अब जलाते कैसे हैं ये देखिए, ऐसे करके, ऐसे किया, ये ऐसे किया, पता नहीं कैसे किया, ये जल गई। अब इसको रखा हमने ऊपर। असल में हमारे पास ये बर्तन मौजूद है ऑलरेडी चाय बनाने वाले, लेकिन इसमें से हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे हम कामयाबी से चाय ना बना सकें। तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम तवे के ऊपर ही चाय बनाएंगे। सबसे पहले गुड़ की चाय बनाने के लिए ये ज़रूरी चीज़ होती है, वो गुड़ होता है। ये देखिए, आपने गुड़ लिया और आपने गुड़ को इसके ऊपर डाल दिया। जितनी चाय बनानी है उतना ही गुड़ डालना है, ज़्यादा गुड़ ना डालिएगा। हमने क्योंकि थोड़ी सी चाय बनानी है इसलिए इतना बस ये गुड़ डाल दिया इसके ऊपर। ठीक है, ये आपने गुड़ डाल दिया और अब आपने इसको थोड़ा टाइम देना है कि ये गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। आप इस गुड़ को हिला भी सकते हैं किसी चीज़ के साथ। अब हमारे पास ये देखेंगे, जैसे ये एक औजार है, ये देखें, ये जैसे आमतौर पर मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं प्लस्तर करने के लिए, ये प्लस्तर ऐसे करके ना ऐसे करके, तो शायद कांडी भी कहते हैं। तो ये हमने ले लिया। अब ये देखें कि गुड़ जो है ना, अब थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो गया। तो जब गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाए तो आपने जो अगला काम करना है वो ये करना है कि आपने इसके ऊपर पत्ती डाल देनी है। याद रहे, पत्ती हसबे जायका डालनी है। अब क्योंकि ये सीक्रेट है इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं कितनी पत्ती ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हसबे जायका पत्ती इसके ऊपर डाल दें। ये देखें, थोड़ी सी और डाल देते हैं ताकि टेस्ट जो है ना ज़रा करारी चाय बन जाए। ये देखें, पत्ती डाल गई। अब हमने इसको अच्छी तरह ऐसे करके हिलाना है। ये देख लें, क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए आपकी कार बिगाड़ की जा रही है। तो ये देखें, अच्छी तरह इसको हिलाएं। ये तेली है, गुड़ की तेली, तेली भी ये नहीं किसी की बेली। अब ये देखें, अब चाय जो है अपनी तैयारी के मराहिल में है। चाय इसके साथ ही चिमुट गई है। अब हमने चाय को लैला करना है, इससे उसके लिए हमें मजीद औजार चाहिए होंगे। तो इसके लिए ये हमारे पास एक औजार है, ये औजार आ गया, इससे हमने चाय को लैला कर दिया। देखें, चाय क्योंकि ज़रा स्लशी चाय है हमारी, तो इसलिए ध्यान है कि ये साथ भी चिपक जाती है। ये देखें, थोड़ा सा चूल्हे को हम कर देते हैं कम, आँच को हमने कम कर दिया ताकि हमारी चाय अच्छी तरह तैयार हो जाए। याद रहे कि कम से कम भी आपकी चाय को 3 उबाले आने चाहिए। उबाले आएंगे अच्छी तरह, फिर पत्ती रंग छोड़ेगी, फिर इसका टेस्ट आएगा। थोड़ा सा हम इसमें इजाफी तौर पे ये कर लेते हैं कि कहीं हमारी चाय नीचे लगने दे, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा सा ऑयल घी भी डाल देते हैं, थोड़ा सा, ताकि हमारी चाय कहीं नीचे ना लग जाए। ये देखें, शायद जनाब अब हम इसको चूल्हे पर कर देते हैं बंद। ठीक है, चूल्हा हो गया बंद। ये देखा जी, बेहतरीन चाय तैयार है। अब ये जो चाय है इसका एक मसला है कि क्योंकि ये बहुत गर्म है इसलिए हम इसे पी नहीं सकते। तो इसके लिए हमने एक सलूशन निकाला, वो ये सलूशन निकाला कि हम इसको डालेंगे इसमें पैन में, तो पैन में डाल के हम इसको ठंडी करके तो फिर पियेंगे। तो इसलिए ये पैन हमने रखा यहाँ पे और इस पैन के अंदर हमने डाल दी चाय। ये देखें, चाय
आधी गई नीचे और आधी गई पैर में, ये चेक करें चाय की क्वालिटी आपके सामने है। बेहतरीन मजेदार जायकेदार चाय, अब ये चाय आ गई इसमें, ये जनाब हमने चाय क्योंकि बहुत गर्म है इसलिए हमने इसको अभी फ्रीजर में रखना है, फ्रीज में रखेंगे फिर ठंडी होगी फिर पीने होगी खाने होगी। अभी हमने ये इसको रख लिया इधर फ्रीजर में, ये चेक करिए फ्रीजर में रख दी। अभी आपसे मिलते हैं 5 मिनट बाद जब चाय हमारी रेडी हो जाएगी, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, हमने इसके अंदर रखा था चाय को, अब हम चाय को निकाल लेते हैं। ये देखिए जनाब चाय हमारी जो है ना वो दिल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, हल्की हल्की अभी भी गर्म है क्योंकि 5 मिनट हो गए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अब हमने इसको निकाल लें, अब इसको निकालना कैसे है, चाय तो लगता है जमगी पक्की, कैसे निकालें इसको। जामुन तो हमने असल में इसके पीछे नीचे रखे थे बटर पेपर, बेहतर था तो अब जम गई है तो इसको इसको हल किया होता है, वो देखते हैं कैसे ट्राई करते हैं। खाने के लाभ हमारी असल में बीच में जम गया, अभी ये मसला है बाहर नहीं करी तो खाने में मसला आ रहा है, इसलिए हमने सोचा अब इसे रखें ओवन में ताकि ये मरीज थोड़ी सी नरम हो तो हम इसको खाएँ पेट भर के। ये क्या पड़ा शायद वो जिसके ऊपर पहले वो है, वो लाइट ऑफ हो गई, लाइट ऑफ हो गई, हमारा प्रोजेक्ट खराब हो गया तो इसलिए हम इसको जब लाइट आएगी तो फिर गर्म करके खा सकेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त बाय बाय। नहीं लाइट तो पता नहीं कब आनी है, हमने ये सोचा कि चाय को हम दोबारा तवे के ऊपर रखते हैं चूल्हे के ऊपर, इसे नरम करके फिर खाते हैं। ये आ गया जनाब, ये जला लीजिए, ये जला लीजिए चूल्हा, अब हमने इसके ऊपर इसको रख लिया। अब ये जब ये तैयार हो जाता है नरम होता है तो फिर ये आपको दोबारा दिखाते हैं कि किस तरह मज़े ले लेके चाय को खाते हैं। ये देखें अभी ये नरम हो गया है दोबारा, अब हमने इसके लिए हमने क्या करना है इसको हमने दिखा भी देना है, बहुत गर्म है इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। ये देखना कैसी चॉकलेटी चाय तैयार हो गई है, ये वाह 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 क्या बात है, थोड़ी सी ज्यादा गर्म है क्या ही बात, उम्मीद है आपको मजा आया होगा हमारी आज की रेसिपी है, तो आप भी घर पे इस रंग चाय बनाए देखें, इतनी दार वाली चाय आपने कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी, तो आप भी इंजॉय करें इस चाय से, हम भी इंजॉय करते हैं थोड़ी ठंडी करके हमेशा चाय खाएं, कभी भी गर्म चाय निकालनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, रखिए हमें दुआ में याद, बाय बाय।